तो हाय फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे अभी आपने जिस स्टेटस को देखा है इस तरह का स्टेटस अगर आपको क्रिएट करना है अपने मोबाइल फ़ोन से तो आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है अलाइड ना मोशन अगर आपके पास अलाइड मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अभी आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक बीट मार्क प्रोजेक्ट और सेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट मिल जाएगा आप उन दोनों को इम्पोर्ट कर लेना अपने एलाइड मोशन में तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप अब जैसे ही लाइट मोशन डाउनलोड करेंगे उस पर इंटर कर लेना एंटर करने के बाद आप सबको बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना होगा बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पहले से ही बीट लगा हुआ है आपको कुछ नहीं करना बस इन सब में फ़ोटो ऐड करना अगर आपको फ़ोटो ऐड करना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कैसे फ़ोटो ऐड करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे मीडिया पर क्लिक करेंगे और अपना फोटो को ऐड कर लेंगे जैसे कि मैंने ये फ़ोटो ले लिया या थ्री डॉट पर जाएंगे थ्री डॉट पर जाने के बाद फिल स्क्रीन कर देंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और तीन नंबर पर जाके इसे बड़ा कर लेंगे थोड़ा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना फिर आपको यहाँ इस बीट तक आ जाना है और इसे कट कर लेना है कट करने के बाद भी फिर से बता देता तो हैं प्लस पे जाएंगे मीडिया पे जाएंगे फिर से आपको एक फ़ोटो ले लेना होगा थ्री डॉट पे जाएंगे फिर फील्ड कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर लेंगे फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे और इसे थोड़ा जूम कर लीजिएगा अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा फिर आपको इस बीट तक आके इसे कट कर लेना होगा फिर आपको देन एक फोटो ले लेना होगा जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ ऐसा फोटो लेना ले लेना होगा फिर आपको थ्री डॉट पर जाना होगा फिर आपको फील्ड कॉम्पोजेशन एरिया पर जाना होगा फिर इसको आपको जूम कर लेना होगा फिर आपको इसे एडजस्ट कर लेना होगा फिर आपको यहाँ पर कट कर लेना होगा फिर से आपको एक फोटो ले लेना होगा जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आ, हाँ, यहाँ पे फोटो ले लेना होगा ले। थ्री रोड पे जाना होगा फिल कंपोजिशन एरिया फिर आपको इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना ठीक है एडजस्ट करने के बाद इसी तरह आपको लास्ट तक करते कर जाना इन सब में भी करते जाना छोटा छोटा फोटो ठीक है गाइस पूरा लास्ट तक करते जाना ठीक है फोटो ऐड करने के बाद मैं बता देता तो हूँ आप सबको क्या करना होगा सो so, देख सकते हैं आज मैंने पूरा का पूरा फ़ोटो ऐड कर लिया इसी तरह आपको भी ऐड करते जाना है पूरा लास्ट तक देख सकते हैं मैंने पूरा पूरा ऐड कर लिया है यहाँ पर भी है ना तो आपको भी इसी तरह ऐड कर लेना ठीक है ऐड करने के बाद मैं बता देता हूँ आप सबको ये बिट मार्क से आपको ए, बैक चले जाना ठीक है बैक जाने के बाद आप अभी जिस सेक इफेक्ट को आपने ए, ऐड किया था उस पर आपको एंटर कर लेना होगा जैसे कि सेक ए, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पे आपको एंटर कर लेना होगा फिर आपको ये जो ए, इफेक्ट दिख रहा है मतलब फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना फोटो पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक कर लेना जैसे कि आप आपको देख लेना है ये इफेक्ट फर्स्ट नंबर का इफेक्ट है ठीक है तो इसको आपको क्लिक कर लेना इफेक्ट पर फिर थ्री डॉट पर जाना है इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना फिर आपको यहाँ से बैक चले जाना है बैक जाने के बाद मैं बता देता हूँ आपको उसी पर एंटर कर लेना होगा एंटर करने के बाद Uh, मेरा में कंफ्यूज मत होना गाइस मेरा में बहुत सारा बीट मार्क है इसीलिए कंफ्यूज मत होना मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ फिर आपको यहाँ पे फोटो पे आ जाना है फोटो पर आने के बाद इफेक्ट पे चल जाना है थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर देना फिर आपको यहाँ पे आ जाना है थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट देख देना और गाइज मैं बता देता हूँ मेरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा बिना स्किप किए तभी आपको सब समझ में आ जाएगा फिर आपको यहाँ पे आ जाना होगा थ्री डॉट पे जाना होगा पेस्ट इफेक्ट कर देना होगा फिर आपको यहाँ पे आना होगा सारे के सारे में नहीं लगाना है पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना फिर आपको यहाँ पे आ जाना है पेस्ट इफेक्ट कर देना है पेस्ट इफेक्ट करने के बाद मैं बता देता हूँ कहाँ तक करना है आपको इफेक्ट लगाना है यहाँ पे भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है फिर आपको यहाँ आ जाना होगा यहाँ पे भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है फिर आपको यहाँ पर आ जाना होगा यहाँ पर भी पेस्ट इफेक्ट कर देना है फिर आपको यहाँ तक आ जाना होगा जैसे कि बता देता हूँ यहाँ तक ठीक है इस फोटो तक कर लेना जैसे कि पन ये तेरह पॉइंट छियालीस जितना दूर है ये इस फोटो तक कर लेना फिर आपको जहाँ से छोटा फोटो स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक आ जाना है फिर आपको यहाँ से बैक चले जाना है बैक जाने के बाद उसी सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पे आ जाना है जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है दो नंबर का इफेक्ट में सॉरी का इस फोटो पर यहाँ पर आने के बाद आपको इफेक्ट पर चल जाना है कॉपी इफेक्ट कर लेना है कॉपी इफेक्ट करने के बाद मैं बता देता हूँ आप सबको यहाँ से बैक चले जाएंगे बैक जाने के बाद आपको उसी बीट मार्क पर एंटर कर लेना होगा बीट मार्क पर एंटर करने के बाद आपको छोटा फोटो को ढूंढना होगा कहाँ पर है ये देख सकते हैं गाइस यहाँ से छोटा फोटो इफेक्ट मतलब लगाएंगे तो देख सकते हैं गाइस छोटा फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से एक फर्स्ट फोटो मिल रहा है ये, ये दे ये देख सकते हैं इसको इस पर नहीं लगाना इफेक्ट ठीक है यहाँ पे इफेक्ट लगा देना दो नंबर से ठीक है यहाँ पे थ्री डॉट पे जाएंगे पेस्ट इफेक्ट कर देंगे फिर आपको यहाँ जाना है पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है पेस्ट इफेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना होगा यहाँ पे भी पेस्ट इफेक्ट कर देना उसी तरह देख सकते हैं क्या यहाँ पे भी एक नंबर स्टार्ट हो रहा है छोटा फोटो इसमें नहीं लगाना है यहाँ पे आ जाना है पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है यहाँ से फिर आप जाएंगे यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट कर देना आपको इसी तरह पूरा लास्ट तक कर लेना है जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ पूरा बता दूँगा गाइस इस पर कट नहीं करूँगा देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट कर दिया ठीक है यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ से भी एक नंबर को छोड़ना है ए, इसको पहले पेस्ट इफेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे भी इफेक्ट लगा दिए फिर आपको यहाँ पे लगा लेना है जैसे कि बता रहा हूँ यहाँ पे भी लगा दिए फिर आपको यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे भी लगा दिया ठीक है गाइस इतना होने के बाद आप सबको फिर से यहाँ से बैक चले जाना है बैक चले जाने के बाद मैं बता देता तो हूँ आपको क्या करना होगा उसी सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पे आने के बाद मैं बता देता हूँ ये जो लास्ट वाला फोटो है इस पर क्लिक करेंगे इसका भी कॉपी इफेक्ट कर लेंगे कॉपी इफेक्ट कर लिए जैसे देख देख सकते हैं यहाँ से फिर बैक जाएंगे उसी बीट मार्क प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे फिर आपको जो जो छोटा छोटा फोटो बचा था उस सब में लगा लेना हो जाएगा फर्स्ट नंबर का छोटा फोटो ठीक है जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर का छोटा फोटो है यहाँ पर आगे थ्री डोट थ्री डॉट पर आगे पेस्ट पर कर दिया फिर आपको कहाँ छोटा फोटो का फर्स्ट नंबर है जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे आगे इफेक्ट पे आगे थ्री डॉट पे आगे पेस्ट इफेक्ट कर दिए फिर आपको आगे चल जाना है जैसे कि बता दे रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे भी आगे पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है लास्ट तक हो गया इतना करने के बाद आप सबको मैं बता देता हूँ सो गैज़ यहाँ तक होने के बाद आपको फर्स्ट तरफ आ जाना है फ़र्स्ट तरफ आने के बाद मैं बता देता हूँ आपको अपना लोगो ले लेना ठीक है अगर आपके पास लोगो अपना नहीं है तो आप कमेंट में बता देना मैं आपको लोगो बनाना सिखा दूँगा पिक्सल ऐप से ठीक है तो यहाँ आ आगे जैसे प्लस पे आ गए यहाँ पे मीडिया पे चल जाएंगे ठीक है मैंने पिक्सल ऐप से सेव किया था तो उसे बना के तो मैं पिक्सल ऐप पे खोज लूँगा जैसे कि यहाँ पे मैंने सेव किया था ये रहा ठीक है गाइज इसको मैं क्लिक कर लिया प्लस कर दिया ठीक है प्लस करने के बाद आपको यहीं से थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप अपने हिसाब से कहीं भी इसे से सेट कर सकते हैं मैं फिलहाल यहाँ नीचे कर रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं नीचे कर दिया ठीक है इतना दूर करने के बाद मैं बता देता हूँ आप सबको अब पहले इमोजी ले लेना होगा ठीक है अभी प्लस पे जाएंगे या टेक्स्ट पे आ जाएंगे टेक्स्ट पे आने के बाद आपको इमोजी अपना ले लेना जैसे कि मैं इमोजी कुछ भी ले रहा हूँ आप सबको बताने के लिए आप भी कुछ ले लेना ये ले लिया फिर आपको ये इमोजी जो है गैस दिख नहीं रहा ठीक है इसे दिखने के लिए ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको यहाँ पे बॉक्स का आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको तीन नंबर पे आ जाना तीन नंबर पे आने के बाद इन सब को माइनस कर लेना इधर ठीक है सबको माइनस कर लेना माइनस करने के बाद आपको राइट कर देना राइट करने के बाद आपको फिर से राइट कर लेना होगा राइट करने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे और इसे भी थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा गैस ज़्यादा छोटा हो गया ओ माय गॉड वो किधर हो रहा है गाइज तो देख सकते हैं मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा ठीक है तो देख सकते हैं गाइज मैंने एडजस्ट जो है वो कर दिया ठीक है फिर आपको इन सब में भी इफेक्ट लगाना होगा इफेक्ट कैसे लगाते हैं मैं बता देता हूँ ठीक है इसमें जैसे कि मैं इमोजी पे चल गया ठीक है इमोजी पे जाने के बाद इफेक्ट पे आ गया इफेक्ट पे आने के बाद एड इफेक्ट पे आ गया एड इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ सर्च का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आ जाएंगे फिर आपको यहाँ पर सर्च कर लेना हो, होगा एल ओ एन जी लॉन्ग शेडो ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग शेडो का इफेक्ट आ गया आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद आप आप सबको नीचे थोड़ा आ जाएंगे और यहाँ पे अल्फ़ा दिख रहा है थी, गायज ठीक है अल्फ़ा को पहले आपको थोड़ा बढ़ा लेना है जैसे कि मैं बढ़ा रहा हूँ आपको डार्क कर लेना होगा ठीक है जैसे कि मैं इतना डार्क किया फिफ्टी वन तक ठीक है इतना करने के बाद आपको बता देता हूँ आपको साइज को माइनस कर लेना है जैसे कि आप अपने हिसाब से माइनस कर लेना गाइज आपको कितना में रखना है ठीक है मैं इतना तक कर लेता हूँ टेन तक ठीक है इतना करने के बाद मैं बता देता हूँ आपको इसी पे ए, इमोजी पे चल जाइएगा इफेक्ट पे चल जाइएगा यहाँ पे थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा कॉपी इफेक्ट करने के बाद आप सबको यहाँ पे इमोजी पे आ जाना है इमोजी पे आने के बाद इफेक्ट पे चल जाना है यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट कर देना है इतना होने के बाद आप सबको यहाँ से सब, लास्ट तक आ जाएंगे ठीक है लास्ट तक आने के बाद इन दोनों को इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं इस पर क्लिक किए और यहाँ क्लिक करके इसे लास्ट तक खींच लेंगे पूरा पूरी ठीक है यहाँ क्लिक करके मैंने पूरा लास्ट तक खींच लिया आप सबको भी इसी तरह करना है तो अभी आपको एक बॉर्डर का ज़रूरत पड़ेगा अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना मैं बॉर्डर आपको बनाना सिखा दूँगा और अगर मेरा बॉर्डर ही आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो चलिए प्लस पे क्लिक करते हैं मीडिया पर जाते हैं ये देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा बॉर्डर है मैं ये बॉर्डर ले लेता हूँ यहाँ पर लेने के बाद आपको थ्री डॉट पे जाना फिल स्क्रीन कर देना फिल स्क्रीन करने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना होगा फिर आपको तीन नंबर पे आ जाना होगा और इसे थोड़ा आपको एडजस्ट कर लेना होगा जैसे कि ये थोड़ा बाहर तक ज़्यादा दिख रहा है मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि गैस हर स्टेटस में आपको ऊपर थोड़ा कटा हुआ लगेगा ठीक है गायस आपको इसी हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना होगा एडजस्ट करने के बाद आपको इसे भी लास्ट तक लेना होगा जैसे कि मैं लास्ट तक आ गया इसको क्लिक किया और यहाँ क्लिक करके इसे लास्ट तक पहुंचा दिया ठीक है इतना होने के बाद आप सबको अभी टेम्पलेट एक लगेगा जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ टेम्पलेट कैसे लगाएंगे यहाँ पर प्लस पे आ जाएंगे मीडिया पे आ जाएंगे मीडिया पे आने के बाद मैं अपना टेम्पलेट ले लेता हूँ पहले अभी अपना टेम्पलेट ले लेना अगर आपको मेरा ही टेम्पलेट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसको भी दे देंगे तो मेरा भी फिलहाल कहाँ ये मेरे को ढूंढना पड़ेगा गाइज हाँ ये ये रहा है यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देंगे प्लस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये टेम्पलेट आ चुका है टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और ये मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे और दो नंबर पे आके इसे वन एट्टी डिग्री माइनस कर लेंगे वन एट्टी डिग्री माइनस कर सो गाइस देख सकते हैं मैंने वन एट्टी डिग्री तक माइनस कर लिया आपको भी इसी तरह कर लेना है ठीक है तो फिर आपको फिर टेम्पलेट पर आ जाना है टेम्पलेट पर आने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएगी मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आने के बाद आपको तीन नंबर पर आके इसे जूम कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ तक जूम कर लेता तो आपको भी इसी तरह जूम कर लेना ठीक है जूम कर लिया मैं यहाँ तक फिर आपको इस यहाँ से बैक जाना होगा फिर आपको टेम्पलेट पे जाना होगा इसका ऑडियो जो है इसे म्यूट कर लेना होगा इतना ठीक है म्यूट करने के बाद आपको ब्लाइंडिंग एंड ओपासिटी का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेंगे फिर आपको लाइट एन पर चल जाना लाइटन पे जाने के बाद स्क्रीन कर देना है ठीक है स्क्रीन करने के बाद ये स्क्रीन पर पूरा लग जाएगा फिर आपको देख सकते हैं कहा कि कहाँ तक पहुँचा है टेम्पलेट तो उतना बड़ा नहीं होता है तो देख सकते हैं कहा कि पहुँच चुका है यहाँ तक ठीक है देख सकते हैं यहाँ तक लास्ट तक तो यहाँ पे आके इसको हम कट कर लेंगे ठीक है कट करने के बाद देख सकते हैं गाइस ये स्टेटस जो है बन के पूरा रेडी हो चुका है देख सकते हैं अभी आप इसे सेव करने के लिए आपको ऊपर में राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो का राइट साइड में एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सब कोई से एच डी कर लेना आप अपने हिसाब से एच डी एच डी कर लेना और इससे भी फुल कर लेना एफ ई एस आपको हमेशा फुल रखना है ठीक है गाइस एफ ई एस फुल रखने के बाद इसको भी फुल कर लीजिएगा ठीक है फुल करने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लीजिएगा एक्सपोर्ट आपका वीडियो हो जाएगा ठीक है गाइज तो अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बंदे मातरम